दोस्तों नमस्कार, मैं अभिजीत, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक फेक कॉल के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि मेरे को अभी लूटने की कोशिश करा गया था SBI बोल के। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस से आपको ये बेवकूफ़ जो है बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप खुद बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहली बात देखिए, मैंने मेरा क्या है कि आज 17th डेट है जो कि मेरा SBI क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जनरेट हो जाना चाहिए था, जबकि मेरा अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गूगल से अपना SBI का कस्टमर केयर नंबर ले लूं और कॉल करूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया SBI क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर। ठीक है, तो पहले देखिए, ये एक कस्टमर केयर सपोर्ट का नंबर आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर करके। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यही नंबर होगा, तो मैंने इसको ऐसे टैप किया। तो टैप करने के बाद ही जो है आपको फ़ोन करने की एक ये आ गया। ठीक है, फ़ोन मैंने किया तो मेरे को पहले ही डाउट हो चुका था कि जब ही मैंने इस नंबर पे मैंने कॉल किया तो क्या है कि रिंग हो रहा था, मतलब रिंग कभी नहीं होता है, जो कि ये कंप्यूटर ऑपरेटेड जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको बात होता है, कंप्यूटर की जो एक भाषा होती है वो सुनाई देता है। ठीक है, मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू के बारे में बोलते हैं सभी कुछ, लेकिन यहाँ में क्या हो रहा था कि रिंग हो रहा था। ठीक है, तो मुझे तो थोड़ा डाउट हो ही गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि SBI का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने रुका रुका रहा, तो यहाँ पे एक बंदे ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि हाँ बताइए सर, ऐसे करके बताया। लेकिन क्या है कि आप जब भी कोई भी बैंक पे कॉल करते हो, ये सही में अगर मतलब वो कस्टमर केयर हो, तब आप वो बोलते हैं कि वेलकम करते हैं अपने बैंक के नाम से, और उसके बाद ही जो है आपको पूछते हैं कि क्या आपको मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ। यहाँ पे सीधे आपको बता दें क्या क्या मतलब, हाँ हेलो सर क्या हुआ आप बताइए, ऐसे करके मतलब कोई अनप्रोफेशनल एक बात हुआ। तो मैंने उनको बताया, मेरे को शक हो ही यहाँ पे हो गया था, जो तब तक मैं अलर्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी आप लोगों को हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए तो पहली बात तो मैंने बोला कि मैं SBI क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कुछ जानना चाहूँगा। तो हाँ, ओके ओके बताइए, आप SBI क्रेडिट कार्ड आप चलाते हो? हाँ जी, मैं SBI क्रेडिट कार्ड चलाता हूँ, मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि तो बताइए सर क्या करूँ, मैं क्या मदद करूँ आपका? तो मैंने बोला कि मेरा जनरेट नहीं हो रहा है अभी तक ये बैलेंस, तो क्या करें? तो आप उन्होंने वो पूछ रहा है कि अनप्रोफेशनल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना आप ले मतलब कितना आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, कितना रुपये तक यूज़ किया, कितना लिमिट है आपका, ये पूछ रहा था। मैंने यूं ही बोल दिया कि मेरा 3 लाख का लिमिट है। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा इसी वीडियो में। मैंने 3 लाख का बोला और उसने बोला कि हाँ कितना खर्चा, मैंने कहा 1.5 लाख तक खर्च हो गया होगा। तो ठीक है आपको अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने, और वो तुरंत से जो है एक अलग नंबर से मेरे को फ़ोन आ गया। मैंने उस बंदे को ये सब बोला कितना खर्च करते हैं कि ठीक है। तो उन्होंने एक क्या किया कि अभी आपको जनरेट करके दे रहा हूँ आपका पूरा बैलेंस कितना है, क्या है आपका सभी मिनी स्टेटमेंट जो है, तो आप रुकिए थोड़ा, मैं आपको मदद करता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पे मुझे जो है SBI एनीवेयर का ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए बोला। ठीक है, SBI एनीवेयर मतलब क्या है कि आपका पैसा जो है लूटने की कोशिश मतलब चल रहा था, अभी आपका रिक्वेस्ट डालेगा और ये पूरा जो है मामला मुझे समझ में आ गया, रिक्वेस्ट डालेगा पैसे की और मुझे रिक्वेस्ट को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो वही बात हो गई कि पता चल गया मुझे। तो उसी टाइम में मुझे फिर भी मैं देखना चाहता था कि क्या हो करता है वो, क्या बोलता है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने को बोला और SBI एनीवेयर का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि SBI से मुझे नहीं पेमेंट करना है, मुझे क्रेड से पेमेंट करना है, तो ऐसे मैंने बोला। तो वही बात सुन के वो बंदा समझ गया कि नहीं, ये इससे तो नहीं होगा, इससे काम हम नहीं निकलवा सकते, टाइम वेस्ट होगा। तो तुरंत जो है वो फ़ोन कर दिया। तो क्या कौन सा नंबर था मैं आपको अभी
दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको पहले मैं वो सुनाता हूँ कि क्या क्या हमारे साथ कन्वर्सेशन हुआ। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अलर्ट रहिए, कभी भी ऐसा कॉल आए तो कभी भी रिसीव कीजिए, लेकिन आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सब ऐसे नहीं होता है। और आप कस्टमर केयर के, अगर सही में अगर कोई बैंक का कस्टमर केयर हो तो एक प्रॉपर तरीके से आपको बिहेव करेगा और आपको बताएगा कि क्या क्या करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेके जा सकता है, पैसे भी उड़ा सकता है, तो सही में आप अलर्ट रहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बता दें कि कैसे जो है फ्रॉड हो रहा है, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, तो वो उससे आप अलर्ट रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, पूरी बात को सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ताकि अच्छा लगे मेरे को भी, और जो है आगे भी वीडियो बनाने का मन थोड़ा करे, इससे मोटिवेट थोड़ा मिले, मोटिवेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलिए सुनाते हैं आपको क्या क्या बातें हमारे साथ हुआ, मेरे साथ उनके वो कस्टमर फेक कस्टमर केयर के साथ। तो यहाँ पे आप पूरी जो है कन्वर्सेशन सुनिएगा। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू कस्टमर केयर सर, SBI कॉल सर्विस सेंटर सर, क्या सहायता कर सकता हूँ सर? मेरे को जानना था कि कब तक बिल जेनरेट हो जाता है SBI क्रेडिट कार्ड का। जी, आपने यूज किए थे क्या सर? सॉरी, आपने यूज किए थे क्या सर? हाँ जी, मैंने यूज किया हुआ है। कितना यूज किए थे सर? कितना यूज किए थे, मतलब आप वो बता रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं ना कितना मैंने यूज किया। फिर भी आपका मालूम था ना सर, कितना लिमिट था और कितना यूज किए थे? तीन मेरा लिमिट तो 3 लाख है शायद, जी, तो आपने यूज कितना तक किए होंगे? 1 लाख से, 2 लाख से? तो 1.5 लाख तक हो गया शायद, ऐसा है। अभी आपको क्या करना है सर, उसका क्या जानना है सर? मुझे जानना है कि क्रेडिट लिमिट कब तक मतलब दिखाई देगा ये। जी, तो वहाँ क्रेडिट ऐप है सर आपका? सॉरी, हाँ क्रेडिट ऐप है ना सर, क्रेडिट ऐप, हाँ जी, क्रेडिट ऐप तो है मेरा। तो उसमें चेक कर रहे हैं, तो वहां से क्या प्रोसेस में बता रहा है सर? हेलो आ, सर, उसमें चेक कर रहे हैं तो वहां पर क्या बता रहा है सर? नहीं अभी तो मतलब नहीं आया है, मतलब ये तो नहीं आता। 15 तारीख को वैसे आ जाता था, आगे तो जी, कल तो 15 तारीख हो चुका है। तो आप एक काम कीजिए, मिनी स्टेटमेंट आपका पूरा सारी डिटेल्स मैं दे दे रहा हूँ। ओके सर, मिनी स्टेटमेंट में आपका सारी आ जाएगा। ओके सर, आप कितना यूज किए हैं और कब डालेंगे बैलेंस सर? कौन सा? हाँ मैं तो बैलेंस डाल दूंगी, कितना दिन में डालेंगे, आज डालेंगे या कल के दादा दिन दादा। में? हेलो, हाँ हेलो, आप आज की डेट में डालेंगे या कब डालेंगे सर, जो बैलेंस है, बाकी या जो राशि है वो? आज ही डाल दूंगा अगर वो जेनरेट होता है तो। तो जी, मैं शो करा दे रहा हूँ आपका, जनरेट मैं शो करा दे रहा हूँ, प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट आप समय देंगे सर? कैसे शो करा गया मतलब? जी, लाइन पे रहते हुए मैं शो करा दूंगा सर। आप जैसे SBI योनो नेट बैंकिंग अभी करते हैं क्या सर? जी नहीं ओनली क्रेडिट आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड ना सर? जी, हाँ, अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए सर, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ सर। प्ले स्टोर पे। हाँ, प्ले स्टोर ओपन कीजिए, एक एप्लीकेशन दिया जा रहा है, उसको इंस्टॉल कीजिए। ओके, हाँ, प्ले स्टोर ओपन हुआ। रुकिए रुकिए, प्ले स्टोर पे देखना होगा ना। आपको मिनी स्टेटमेंट जो दिया जाएगा ना सर, वो मिनी स्टेटमेंट हमें आपका सारी डिटेल्स आपका बता देगा कि कितना जमा करेंगे, कितना यूज किया हो, कितना टैक्स लगेगा। ओके, सारी आपका कितना अच्छा, लगेगा सभी आ जाएंगे सर। प्ले स्टोर ओपन किया, हाँ प्ले स्टोर, लो रुकिए। हाँ जी बताइए। वहां पर टैपिंग कीजिए सर, SBI, SBI क्या? SBI क्या? SBI हाँ स्पेस हाँ ANY ANY, ये क्या है? ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, मुझे SBI से नहीं देना है, मेरे को, मैं अभी क्रेड से देता हूँ, क्रेड। आप तो आपने देखा, वो जब भी क्रेड का नाम सुना तभी फ़ोन जो है उसने ड्रॉप कर दिया। तो यही था वीडियो में, तो देखने के लिए थैंक यू।